अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि अक्सर टेक्नीशियन देखकर ये समझते हैं कि शायद हमारी गैस बहुत ही ज़्यादा ओवर हो चुकी है। हमारे एयर कंडीशनर में यहाँ पर आपको मैं अभी रनिंग में चेक करवाऊँगा, हमारा आउटडोर यूनिट अभी रनिंग में है, इसके एम्पेयर कितने हैं और इसके जो है प्रेशर जो है, इसका रिटर्न प्रेशर जो है, इसका सक्शन प्रेशर वो कितना आ रहा है। अक्सर लोग ज़्यादा प्रेशर देखकर समझते हैं कि शायद गैस ओवर हो चुकी है, वो गैस को कम कर देते हैं और कूलिंग भी कम हो जाती है। यहाँ पर इसका जो रनिंग प्रेशर है वो इस वक्त 80 से 90 जो है इसका प्रेशर शो हो रहा है, 80 से 90 प्रेशर, यानी कि 90 PSI प्रेशर हमें यहाँ पर बता रहा है। तो R22 गैस इसमें चार्ज होती है, R22 में ये 90 प्रेशर बता रहा है, तो 90 बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैक्सिमम हमारा एसी जो है अच्छी कूलिंग कर रहा होता है 60 से 70 PSI के दरमियान में। लेकिन इतना प्रेशर किस कारण हुआ, किस वजह से हुआ, आपको इस वीडियो में यही गाइड करने वाला हूँ। अगर कभी भी आपको ऐसा प्रेशर देखने को मिले, आप उसके एम्पेयर लाजमी से टेस्ट कीजिएगा, उसके एम्पेयर टेस्ट करने के बाद उसके रिटर्न को लाजमी से चेक कीजिएगा रनिंग में। तो अगर आपकी रिटर्न सही आ रही है और आपके एम्पेयर भी सही हैं, मैक्सिमम अगर आपके 6 एम्पेयर 1 टन का यूनिट लेता है तो वो इस सूरत में 7 साढ़े 7 एम्पेयर लेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि गर्मी बहुत शदीद होने की वजह से इसका हेड प्रेशर जो है ये बढ़ जाता है, जैसे कि 90 PSI आ चुका है। मैक्सिमम आपको बताया 60-70 होता है, लेकिन ये 90 PSI आ चुका है। तो 90 PSI बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर आपका 410A का आउटडोर यूनिट होगा, यानी इन्वर्टर एसी होगा, तो उसमें प्रेशर जो है आपको नॉर्मली 125-30 मिलता है, तो वो आपको 150 तक देखने को मिलेगा। तो इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको रिटर्न वगैरह चेक कर लेनी चाहिए, कूलिंग चेक कर लेनी चाहिए, अगर परफेक्ट है तो आपको गैस जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी की वजह से आउटडोर यूनिट धूप में है तो बहुत ज़्यादा जो है वो इसी तरह प्रेशर इसका बढ़ता है। अभी इसकी रिटर्न भी बिल्कुल परफेक्ट है और आउटडोर यूनिट के एम्पेयर भी मैक्सिमम 4 एम्पेयर है, अभी ऐसा ऐसा बढ़ भी सकते हैं, मैक्सिमम 5-6 तक जा सकते हैं। तो मतलब इसकी जो ओवरऑल कूलिंग है, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमें ऐसे में कहीं पर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इलेक्ट्रिकल फंक्शन को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी जाकर अभी लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली HVAC RAC से रिलेटेड न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।